राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की और 115 सीटों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन नतीजे आने के बाद एक प्रत्याशी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये हैं बाड़मेर के रविंद्र सिंह भाटी, जो शिव सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद महज 9 दिनों में बागी हुए रविंद्र ने अपने पहले ही चुनाव में बाजी मारी है और वो 26 साल की उम्र में विधायक बन गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था, वो एक कंकड़ हैं और इस बार घड़ा फोड़ देंगे। जैसा उन्होंने कहा था वैसा कर भी दिया। उन्होंने 3950 वोटों से चुनाव जीतकर बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस के अमीन खान जैसे कद्दावर नेताओं को धूल चटाई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र सिंह भाटी ने 28 अक्टूबर 2023 को बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन टिकट नहीं मिली तो उन्होंने 9 दिन बाद ही पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और सेब के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की। रविंद्र सिंह भाटी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्होंने बेहद कम समय में यूनिवर्सिटी की राजनीति से विधानसभा तक का सफर तय किया है। भाटी साल 2019 से 2022 तक जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। भाटी बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र में ही दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं। बीते एक साल से भाटी यहां अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में लगे हुए थे, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिला। भाटी ने बीते साल रन फॉर रेगिस्तान नाम की मैराथन निकालकर हजारों की संख्या में युवाओं को इकट्ठा कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था।